हेलो फ्रेंड्स, सतपुर आईटीआई ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं तुलसीराम बघेले आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है यूनिवर्सल मोटर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे यूनिवर्सल मोटर कैसे वर्क करती है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि यूनिवर्सल मोटर को हम यूनिवर्सल मोटर क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि यह मोटर जो होती है एसी, यह मोटर एसी और डीसी दोनों पर वर्क करती है। ठीक है दोस्तों, ये मोटर जो होती है एसी पर भी वर्क करती है, डीसी पर भी वर्क करती है, इसीलिए इसे हम यूनिवर्सल मोटर या सार्वत्रिक मोटर कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके डायग्राम के बारे में देखते हैं, इस मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर इस मोटर की हम बात करें तो यह मोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है, इस मोटर का कंस्ट्रक्शन जो होता है ये डीसी सीरीज मोटर के समान ही होता है, बट इसे हम एसी में भी चला सकते हैं। इसके लिए दोस्तों कुछ कंडीशंस होती है जो हम बाद में अभी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पर लिखा है सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और ये भी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के बीच में यहाँ पर एक आर्मेचर है। या आर्मेचर में कौन से पार्ट होते हैं आर्मेचर के? आर्मेचर में दोस्तों कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं, और कार्बन ब्रश होते हैं, और कार्बन ब्रश को शिफ्ट करने के लिए ब्रश होल्डर्स लगे होते हैं। तो दोस्तों ये कार्बन ब्रश है, ये यहाँ पर दो कार्बन ब्रश लगे हैं, इन कार्बन ब्रश को हमने ब्रश होल्डर में शिफ्ट किया हुआ है। और दोस्तों इसका जो कनेक्शन है, पूरा का पूरा कनेक्शन जो है, यहाँ से जो सप्लाई दे रहे हैं, मान लो यहाँ से हम प्लस दे रहे हैं, यहाँ से माइनस दे रहे हैं, तो ये प्लस सप्लाई इस वाइंडिंग से होते हुए कहाँ पे आ गया? ये आर्मेचर की वाइंडिंग में आ गया। आर्मेचर वाइंडिंग से होते हुए फिर से ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और यहाँ से ये रिटर्न। मीन्स दोस्तों, इसका जो कनेक्शन है, आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग का जो कनेक्शन है यहाँ पर, ये सीरीज में है, इसीलिए इसे हम एसी सीरीज मोटर भी कह सकते हैं और डीसी सीरीज मोटर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे हम एसी पर भी ऑपरेट करते हैं और डीसी पर भी ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम सप्लाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है सिंगल फेज एसी सप्लाई, मीन्स फेज और न्यूट्रल देते हैं यहाँ से, और डीसी की बात करें तो प्लस और माइनस देते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, जब यहाँ पे दोस्तों हम सप्लाई देते हैं, तो सप्लाई देने पर दोस्तों यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पर इसको सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो बोलते हैं हम, इस फील्ड वाइंडिंग में दोस्तों यहाँ पर फ्लक्स बनेगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों? फ्लक्स फाई बनेगा यहाँ पर, या इसे हम फाई वन से डिनोट करते हैं, फाई वन बनेगा दोस्तों, जिसके कारण यहाँ पर जो आर्मेचर की वाइंडिंग है, इस आर्मेचर की वाइंडिंग में भी एक अतिरिक्त फ्लक्स डेवलप हो जाता है दोस्तों, अतिरिक्त, जिसे हम ऑक्सिलरी फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पर आर्मेचर की जो वाइंडिंग है, यहाँ पर आर्मेचर की जो क्वाइल होती है, आर्मेचर की क्वाइल में भी अतिरिक्त फ्लक्स यहाँ पर फाई टू डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स और आर्मेचर के फ्लक्स का जो रिएक्शन जो होता है, इस रिएक्शन के कारण यहाँ पर टॉर्क उत्पन्न होता है, जिससे हमारा इसका इस मोटर का जो शाफ्ट है या आर्मेचर है, ये घूमने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इस मोटर का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? इस मोटर का उपयोग दोस्तों मिक्सर ग्राइंडर में करते हैं। क्यों करते हैं मिक्सर ग्राइंडर में? क्योंकि दोस्तों इस मोटर की जो स्पीड होती है, इस मोटर की स्पीड काफ़ी अधिक होती है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है, मीन्स 3000 आरपीएम से 3000 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट से 12000 आरपीएम तक इसकी स्पीड होती है। 3000 रिवॉल्यूशन पर मिनट से 12000 रिवॉल्यूशन पर मिनट तक इसकी स्पीड होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है दोस्तों। या फिर हम ड्रिलिंग मशीन की बात करते हैं, जो दीवार में जो छेद करने वाली जो ड्रिलिंग मशीन होती है, ड्रिलिंग मशीन में भी यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं। मिक्सर ग्राइंडर में भी, घरेलू डोमेस्टिक पर्पस में भी हम इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। इसका इस मोटर की जो स्पीड ज़्यादा होने से इसमें वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन को कम करने के लिए इस मोटर में हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग करते हैं दोस्तों। कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होती है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में की जाती है। ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे आईटीआई की हम बात करें, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में करते हैं।
और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि एसी और डीसी दोनों पर वर्क करने वाली मोटर कौन सी होती है, तो यूनिवर्सल मोटर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर दो क्वेश्चन बन जाते हैं, और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, यूनिवर्सल मोटर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, या फिर मिक्सर ग्राइंडर में कौन सी मोटर यूज़ करते हैं, या फिर ड्रिलिंग मशीन में कौन सी मोटर यूज़ करते हैं, सिलाई मशीन में कौन सी मोटर यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल मोटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस मोटर की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है, इसलिए इसमें वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग करते हैं। और रही बात अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्सल मोटर की बात करते हैं, यूनिवर्सल मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है दोस्तों, इसमें स्टार्टिंग में ही इसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है, मीन्स ये यहाँ तक इसकी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ने के बाद में दोस्तों इसकी स्पीड कम होते जाएगी, जैसे जैसे दोस्तों इसकी स्पीड n की वैल्यू कम होती है, वैसे वैसे दोस्तों इसका टॉर्क बढ़ते जाता है। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर ये स्पीड है, यहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है तो टॉर्क यहाँ पर बहुत कम है। जैसे जैसे स्पीड यहाँ पर घटते जा रही है दोस्तों, यहाँ पर स्पीड घट गई तो ये टॉर्क यहाँ तक बढ़ गया, फिर इसकी स्पीड और घटेगी, मीन्स लोड बढ़ाने पर स्पीड डिक्रीज होती है तो टॉर्क इंक्रीज हो जाता है, मीन्स टॉर्क ये यहाँ तक बढ़ गया, फिर स्पीड घट गई तो टॉर्क और बढ़ जाता है, मीन्स दोस्तों स्पीड के बढ़ने पर टॉर्क का मान घट जाता है और स्पीड के घटने पर टॉर्क का मान बढ़ जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, यूनिवर्सल मोटर, या जिसे हम सार्वत्रिक मोटर कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम रिपल्सन मोटर के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू।